अस्सलाम वालेकुम अगेन नाउ मूविंग ऑन वर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन ऑफ़ द ट्वेंटी थ्री मॉक एग्जामिनेशन ऑन योर सी बी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म अगेन आपके सामने पच्चीस मार्क का सवाल मौजूद है और इस सवाल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है क्या क्या समझना है ज़रा बात को समझना स्टार्ट करते हैं एग्जाम कह रहे हैं भाई यहाँ पे रायपुर अ कंपनी कोटेड ऑनग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है मैं हमेशा कहता हूँ ईयरेंट्स को हाईलाइट कर लेने में बेहतरी होती है एग्जाम कहते हैं द डायरेक्टर्स वुड लाइक एडवाइस ऑन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन नाउ देर आर फोर ट्रांजेक्शन इन फ्रंट ऑफ यू Examiner the following exhibits available on the left hand side of the screen provide information relevant to the question. First exhibit Hogi about the lease agreements explains the circumstances of the lease agreements. Then there will be a discussion on share-based payments. IFRS2 explain in details of a share-based payment scheme for staff. फिर उसके बाद है नागपुर इंपेयरमेंट लॉस एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ एन इंपेयरमेंट रिव्यू ऑन अ कैश जनरेटिंग यूनिट कैश जनरेटिंग यूनिट के लिए हमको मालूम है कि हमको इंपेयरमेंट लॉस को एलोकेट करना पड़ता है पहले यू नो स्पेसिफिक एसेट के ऊपर गुडविल के ऊपर रिमेनिंग एसेट्स के ऊपर ऑन प्रोराटा बेसिस देन इट सेज यू नीड टू टॉक अबाउट यू नीड टू डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल एसेट्स जिसके अंदर एक बॉन्ड है बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ होगा तभी फाइनेंशियल एसेट है डेट इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं या तो अगर दोनों मॉडल मीट हो रहे हैं तो मोटाइज कॉस्ट मॉडल या फिर या फिर होल्ड मेच्योरिटी एंड सेल हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएंगे या फिर फेयर वैल्यू थ्रू पी मॉडल जो है हम चले जाएंगे फाइनेंशियल एसेट्स बॉन्ड एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ द परचेज ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट

एग्जिबिट नंबर वन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी अपनी एडजस्टमेंट्स कर लूँगा अपनी स्क्रीन के अंदर आई होप कि आप लोग भी एग्जाम के अंदर कुछ ऐसा ही कर रहे होंगे तो मैंने स्क्रीन को एडजस्ट कर लिया है अपने उसूलों के मुताबिक अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपने सामने वर्ड प्रोसेसर भी खोल लिया है सही है वर्ड प्रोसेसर के ऊपर हम ये स्क्रीन लेकर आ जाएंगे और भाई यहाँ क्लिक कर दिया है अब ज़रा पढ़ना स्टार्ट करते हैं

रिपोर्टिंग डेट से दो साल पहले रिपोर्टिंग डेट से दो साल पहले लीज अग्रीमेंट साइन हुआ था रिपोर्टिंग डेट से टू दो साल पहले का मतलब कोई यू नो एक्स जीरो से दो साल पहले चले जाए या ऐसे कह लें आपके ईयर स्टार्ट से एक साल पहले या ईयर एंड से दो साल पहले स्टार्ट से एक साल पहले या फिर ईयर एंड से दो साल पहले दो साल पहले रिपोर्टिंग डेट पे यू नो हमने हमने लीज अग्रीमेंट फर्स्ट लीज लीज साइन किया हुआ था द फर्स्ट साल प्रायर टू द रिपोर्टिंग डेट फॉर एन आइटम ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक आइटम ऑफ प्लांट एंड मशीनरी था जो कि हमने लीज पे लिया होगा एग्जामिनर कहता है द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसिड एंड द लीज टर्म वर बोथ फोर इयर टर्म और यूजफुल लाइफ दोनों चार साल हैं अच्छा अगर लीज टर्म और यूजफुल लाइफ दोनों चार साल हैं इसका मतलब यू नो डेफिनेट बात है चार साल का मतलब एक साल से ज्यादा लो वैल्यू एसेट की कंडीशन भी हमें नजर नहीं आ रही मोस्ट लाइकली मोस्ट लाइकली क्या बल्कि मोस्ट डेफिनेटली हमें नजर आ रहा है कि ये फाइनेंस लीज का ही केस है कहते हैं अंडर द अग्रीमेंट अंडर द अग्रीमेंट लीज पेमेंट इंक्रीज एनुअली भाई नोट कर लीजिए अंडर द लीज अग्रीमेंट लीज पेमेंट इंक्रीज एनुअली लीज की पेमेंट हर साल बढ़ जाया करेंगी हर साल बढ़ जाया करेंगी का मतलब क्या हुआ कुछ ना कुछ वेरिएबिलिटी इन लीज पेमेंट चल रही है कुछ ना कुछ वेरिएबिलिटी इन लीज पेमेंट चल रही है हर साल आपकी लीज पेमेंट बढ़ जाया करेंगी अंडर द अग्रीमेंट लीज पेमेंट्स इंक्रीज एनुअली बाय द रेट ऑफ इन्फ्लेशन और बाय द रेट ऑफ इन्फ्लेशन कौन सा इन्फ्लेशन का रेट विच इज ओवर द प्रीवियस ट्वेल्व मंथ्स पिछले बारह महीनों का जो भी इन्फ्लेशन रेट होगा पिछले बारह महीनों का जो भी इन्फ्लेशन रेट होगा उससे आपकी लीज पेमेंट्स बढ़ जाया करेंगी हर साल यानी हर साल आपकी लीज पेमेंट्स पहले से बढ़ जाया करेंगी ड्यू टू इन्फ्लेशन वेरिएबल लीज पेमेंट्स हैं कहते हैं ऑन फर्स्ट जनवरी टू क्या मतलब साल के पहले दिन साल के पहले दिन ऑन फर्स्ट जनवरी टू जीरो पिछले बारह महीनों की इन्फ्लेशन इनफ्लेशन ऑन एवरेज रही होगी टेन परसेंट एग्जाम कहता है दिस इंक्रीज ऑफ टेन परसेंट दिस इंक्रीज ऑफ टेन परसेंट इन द लीज पेमेंट्स विल अप्लाई फॉर द रिमेनिंग थ्री ईयर्स एक साल गुजर चुका है साल के पहले दिन हमने ये असेस किया साल के पहले दिन हमने ये असेस किया कि पिछले बारह महीनों की इन्फ्लेशन दस परसेंट थी अब हम ये समझते हैं कि इस दस परसेंट इंक्रीज की वजह से कम से कम कम से कम आने वाले तीन सालों की लीज पेमेंट्स दस परसेंट तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी अगले साल जाके हमारी असेसमेंट कुछ और हो सकती है हो सकता है इस पूरे साल की इन्फ्लेशन पांच परसेंट रहे फिर उसके अगले साल के ऊपर हम दोबारा रीवेलिडेट कर रहे हो कि हमारे आने वाले दो साल की री लीज पेमेंट कितनी रहेंगी फिर उसके आखिरी साल में भी यही रहेगा फिलहाल हमें यह पता लग गया है कि एक साल के बाद जाके एक साल के बाद जाके हमारी लीज पेमेंट्स 10 परसेंट कम से कम बढ़ जाया करेंगी 10 परसेंट कम से कम हमारी लीज पेमेंट्स बढ़ जाया करेंगी अब मेरे बच्चों ये सवाल आ चुका है आपके पास वेरिएबल लीज पेमेंट्स का एग्जामिनर ने रिक्वायरमेंट के अंदर बोला था एक्सप्लेन करो कि इन लीज अग्रीमेंट्स की अकाउंटिंग कैसे होगी इन लीज अग्रीमेंट्स की अकाउंटिंग कैसे होगी अच्छा अब आप यह बोलेंगे कि सर वेरिएबल लीज अग्रीमेंट्स की अकाउंटिंग कैसे होगी पहले तो हमें ये न्यूमेरिकली समझ में आए तो फिर हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं आप नोट करें इस पूरे क्वेश्चन के अंदर इस पूरे पार्ट के अंदर पहले सवाल के अंदर देर आर नो नंबर गिवन कोई नंबर ही नहीं दिया हुआ एंड आई वुड से दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन यू शुड बी एक्सपेक्टिंग इन योर एस बी आर एग्जाम अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली समटाइम्स इट हैपेन्स कि खास तौर पे स्टैंडर्ड वाले सवालों के अंदर एग्जामिनर बातें ऐसी पूछ लेता है विच आर प्योर लॉजिक बेस्ड यू हैव टू डेवलप योर ओन माइंड कि कैसा भी सिनेरियो होता तो उसमें कैसा होता देर आर नो नंबर गिवेन आप आड़ी टेढ़ी कैलकुलेशन करके कोई भी मार्क्स उठा लें आपको स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पता होंगे तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे नहीं पता होंगे तो नहीं कर पाएंगे अब सर मसला सारा ये है कि सर हमें तो पता ही नहीं है हमें तो मालूम ही नहीं है कि इस इस केस में होगा क्या तो जब कोई चीज मालूम ही नहीं है तो वो करेंगे कैसे फंस गए जब मालूम ही नहीं है वो चीज तो करेंगे कैसे फंस गए तो इसी ना फंसने वाले एलिमेंट की खातिर मैंने आपके सामने ना एक्सेल के ऊपर अपना एक एग्जाम्पल ड्रॉ कर लिया दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस बट कॉन्सेप्ट क्या है इस एग्जाम्पल के पीछे कि एग्जाम्पल के पीछे हम कोई ना कोई मेहनत करेंगे कोई ना कोई वेरिएबल लीज पेमेंट्स का सिनारियो समझने की कोशिश करेंगे रिकैप करने की कोशिश करेंगे इसकी मिसाल में कुछ ऐसे लेता हूं कि अज्यूम कर लीजिए एक एसेट है एक लाख डॉलर का सर दो लाख का भी हो सकता था बिल्कुल हो सकता था मैंने अज्यूम कर लिया भाई एक लाख डॉलर का एक एसेट और इसकी रेंटल पेमेंट हम अज्यूम कर लेते हैं अट्ठाईस हजार पांच सौ जबकि इफेक्टिव रेट ऑफ लीज कितना है फाइव पॉइंट फाइव परसेंट है फाइव पॉइंट फाइव परसेंट क्लियर होती अच्छा आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा कि सर, ये, ये तो प्री प्लान लग रहा है पांच सौ रेट भी साढ़े पांच परसेंट ही हो, ये सब हुआ कैसे समझने की बात ये है कि हम इस सवाल से थोड़ा सा समझ ये भी लेते हैं कि ये, ये सब हुआ कैसे ये नंबर्स आए कहां से आप कुछ और नंबर्स भी तो ले सकते थे भाई मैंने कुछ भी नहीं किया मैंने दिमाग में सोचा कि यार एग्जाम्पल बच्चों को समझानी है तो ये सवाल आपके साथ शेयर करने से पहले मैंने सोचा भाई करूँ क्या मैंने ऐसी एज्यूम क्या एज्यूम कर लेते हैं एक लाख डॉलर का एसेट है और इस चार साल की लीज है हमको पता है सवाल से चार साल की इकोनॉमिक लाइफ है चार साल का लीज टर्म है तो हमें पता था कि भाई चार साल की लीज है इसका मतलब अगर मैं थोड़ी सी अपनी लॉजिक्स लड़ा हूँ तो जीरो वन टू थ्री फोर ये मामला होगा तो भाई यह जीरो पे कितना कैश फ्लो होता है भाई मिसाल के तौर पे एक लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट है भाई ली स्टार्ट कर रहे हैं तो एक लाख डॉलर का एसेट है एक लाख डॉलर मैंने माइनस में ले लिया इन्वेस्टमेंट ले ली फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे लीज रेंटल्स कितने होने चाहिए अच्छा दिमाग में ये बात मौजूद है कि देखो लीज रेंटल्स जो होते हैं ना वो लीज रेंटल्स लाजिम तौर के ऊपर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होते हैं तो मैंने सोचा कि भाई मिसाल के तौर पर तीस रुपए का रेंटल होता चार सालों के अंदर मैंने चार सालों के अंदर आके तीस लिख दिया फिर मैंने बोला भाई स्टूडेंट्स के लिए कोई ना कोई इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा तो इफेक्टिव रेट किस तरह निकालते हैं भाई इफेक्टिव रेट कोई रॉकेट साइंस तो होती नहीं है आई आर होता है तो मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल्स टू आई आर आर सही आई आर आर एक्सल में लिखा और सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लिया तो मेरे पास कुछ आ गया सेवन अच्छा मेरे दिमाग में आया कि यार ये स्टूडेंट्स को 7.71 रख के बात समझाऊंगा ना तो 7.71 परसेंट का नंबर कुछ अजीब सा लगेगा तो मैंने एहतियातन क्या करना शुरू कर दिया कुछ नंबर कम करना शुरू कर दिया मैं मैंने ऐसे ही बोला कि उनतीस हज़ार करें हर जगह तो कितना आता है सिक्स पॉइंट टू वन हुआ मैंने बोला फिर अजीब है इरादा मेरा ये बैठा कि कोई पाँच साढ़े पाँच परसेंट का ना कोई इफेक्टिव रेट बन जाए दिमाग में आया तो मैंने अट्ठाईस हज़ार पाँच सो एहतियातन लिया हर जगह पेस्ट कर दिया तो फाइव पॉइंट फोर सिक्स आया अब मेरी बस हो चुकी थी तो मैंने बोला भाई चलो भाई फाइव पॉइंट फाइव परसेंट का नाम लेंगे स्टूडेंट्स के सामने और अल्लाह अल्ला खैर से अल्लाह ये करके मेरा सवाल बन गया आगे बढ़ जाएंगे तो हेंस मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा कि मैंने एक एग्जाम्पल सवाल आपके सामने बना दिया कि मैंने बोला कि भाई एक एसेट है क्योंकि नंबर्स तो देखें पूरे केस में नंबर्स तो कहीं गिवेन नहीं है और मुझे आपको बात समझानी है वेरिएबल लीज पेमेंट्स की और कोई मौका भी नहीं है तो भाई मैंने इस नतीजे के ऊपर पहुंचा कि भाई कुछ ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि एक लाख डॉलर का एसेट है अट्ठाईस हजार पांच सौ के सालाना चार साल तक लीज रेंटल्स हैं और इफेक्टिव रेट होगा भाई कोई फाइव पॉइंट अच्छा यहां पे नंबर आ रहा है 5.46 परसेंट और मैंने लिया है 5.5 परसेंट इसका मतलब कुछ ना कुछ आगे पीछे तो होगा थोड़ा बहुत तो आगे पीछे होगा उसको आपने बर्दाश्त करना पड़ेगा खैर अब इस सवाल को हम एज इट इज सॉल्व करते हैं हमें लीजेस के अंदर बनाना होता है एक लीज अमोटाइजेशन शेड्यूल हाँ एक लीज अमोटाइजेशन जो है शेड्यूल बनाना होता है कैसे बनता है भाई पांच कॉलम की गेम है लीज अमोटाइजेशन शेड्यूल डेट का कॉलम रेंटल्स का कॉलम इंटरेस्ट का कॉलम डिक्रीज इन एफ का कॉलम और बैलेंस एफ का कॉलम ये पांच कॉलम्स होते हैं भाई आपके ये पांच कॉलम्स होते हैं भाई आपके यू नो लीज की कहानी के अंदर डन अब अगर ये सिनेरियो को हम सॉल्व करें ये सिनेरियो को हम सॉल्व करें तो हमारा लीज अमोटाइजेशन स्केड्यूल कुछ यूं नजर आता हम बोलते भाई ईयर जीरो कहानी हमेशा शुरू से शुरू होती है पहले दिन हमारे बुक्स में एक, एक एसेट आ गया होगा लीज का जिसकी वैल्यू होगी एक लाख डॉलर फिर उसके बाद हमारी पहली दफा के बाद मुलाकात हुई होगी एक साल बाद जाके ईयर वन के ऊपर ईयर वन पे हमने रेंटल पे किया होगा अट्ठाईस हजार पाँच सौ का जिसमें कुछ ना कुछ होगा सूद की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी इंटरेस्ट की वैल्यू वो इंटरेस्ट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बोलेंगे एक लाख डॉलर की लाइबिलिटी है इफेक्टिव रेट है फाइव पॉइंट फाइव परसेंट का इंटरेस्ट निकाल लिया हमने पांच हजार पांच सौ थोड़ा सा इसकी डेसिमल प्लेसेस खत्म कर रहा हूं आसानी के लिए ठीक है भाई कभी कभार एक्सेल भी आपको साथ नहीं रहता ओ भाई ठीक हो गई बात डिग्रीज़ एन एफ एल ओ कितना होता था? है अट्ठाईस हजार पांच सौ इसमें से इंटरेस्ट की वैल्यू निकालते तो प्रिंसिपल रीपेमेंट आ जाता बैलेंस एफ एल ओ कितना बचता भाई एक लाख माइनस ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फिर मैं जाता ईयर टू के अंदर सेम बात करता अट्ठाईस हजार पांच सौ का रेंटल थाउजेंड के ऊपर फाइव पॉइंट फाइव परसेंट अप्लाई करता बैलेंस जो बचता तो भाई हम यू कर देते हैं ऐसी की तैसी सही है भाई अभी आपकी खातिर हम थोड़ा सा तेज तेज कर लेते हैं भाई सही है डिक्रीज इन एफ कितना आता भाई डिक्रीज इन एफ आता टू फोर सिक्स टू फाइव बैलेंस बैलेंस है है कितना आता पुराना इसमें से और प्रिंसिपल रीपेमेंट टू फोर सिक्स की अगर मैं सारी जगह अप्लाई कर ईयर थ्री में भी अप्लाई कर दूं ईयर फोर में भी अप्लाई कर दूं तो हमारा रेंटल बराबर रहता सेम फॉर्मूला नीचे भी कॉपी कर रहा हूं हमारे पास कुछ तरतीब जो आ जाती वो कुछ ये करके तरतीब आ जाती आप देखें बैलेंस मेरे पास कुछ ना कुछ बच रहा है अच्छा वो इसलिए भी बच रहा है कि हमने परसेंट सही नहीं लगाया आप देखें आपके पास 128 का क्या बच रहा है बेटा बैलेंस बच रहा है ये हमारा पूरा का पूरा सवाल होता बात समझ में आ रही है हमने एक डमी सवाल बनाया आपको बात समझाने के लिए एग्जाम में ये सब नहीं करना बेटा आपको बात समझाने के लिए मैंने एक डमी सवाल बनाया मैंने बोला एक एसेट है मिसाल हमने वो लीज पे लिया था ए एक लाख डॉलर का एसेट है लीज पे लिया था चार साल के लिए लीज रेंटल अज्यूम कर लें के इफेक्टिव रेट ऑफ फाइव के ऊपर लीज रेंटल अट्ठाइस था तो सवाल कुछ सॉल्व हो रहा होता यूं करके बात समझ में आ रही है सवाल कुछ ये सॉल्व हो रहा होता हमने सॉल्व कर दिया अब बात समझाने के लिए कि एग्जामिनर ने जो बात बोली है उसके मुताबिक अकाउंटिंग होती कैसे एग्जामिनर ने यह बोला कि उसूल अग्रीमेंट का यह है कि हर एक साल बाद जाके हर एक साल बाद जाके लीज रेंटल्स रिवाइज हो जाया करेंगे बाय द रेट ऑफ प्रीवियस टेन ईयर यू नो प्रीवियस ट्वेल्व ऑफ इन्फ्लेशन यानी पिछले बारह महीनों की जो एवरेज इन्फ्लेशन रही होगी उसकी वजह से आपके लीज रेंटल्स रिवाइज हो जाया करेंगे ठीक है भाई अब देखो जरा अगले साल क्या होगा अब अगले साल मामला कुछ यूं थे कि एनुअल इन्फ्लेशन की वजह से हमारे लीज रेंटल ने बढ़ जाना था यानी अगर for example, मैं आने वाले सालों का लीज रेंटल देखो सवाल सवाल क्या हो रहा था as per सवाल, हर साल हर साल आपके लीज रेंटल ने revise हो जाना था बाय द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ प्रीवियस ट्वेल्व मंथ हमारे पिछले साल का इन्फ्लेशन रेट है टेन परसेंट हमारे पिछले साल का इन्फ्लेशन रेट है टेन परसेंट और अब हमारे आने वाले लीज रेंटल यानी अगर मैं हर साल का लीज रेंटल देखूं इयर टू का लीज रेंटल ईयर थ्री का लीज रेंटल ईयर फोर का लीज रेंटल तो वह अब दस परसेंट बढ़ चुका होगा पिछले साल का अट्ठाईस हजार पांच सौ था अब दस परसेंट बढ़ चुका होगा यानी मल्टीप्लाई बाय वन पॉइंट वन हो चुका होगा तो हमारा अब आने वाले सालों का लीज रेंटल कितना हो चुका होगा थ्री वन थ्री फाइव जीरो थ्री वन थ्री फाइव जीरो जीरो ईयर टू के एंड के बाद जाके ईयर थ्री में दोबारा रिविजन होती ईयर फोर में दोबारा रिविजन होती वो वह सारा मामला अपनी जगह लेकिन अगर ईयर टू पे सोचें तो वेरिएबल लीज पेमेंट्स की वजह से क्या हो गई हमारे आने वाले रेंटल पेमेंट्स बढ़ गई क्लियर अब यहां पे आई एफ आर सिक्सटीन बेटा ये कहता है कि आप सबसे पहले रीमेजर करेंगे अपनी लाइबिलिटी की रीमेजरमेंट ऑफ लाइबिलिटी दैट इज कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन द ओरिजिनल इफेक्टिव रेट ऑफ द लीज बेस्ड ऑन द ओरिजिनल इफेक्टिव रेट ऑफ द लीज आपको क्या करना होगा आप करेंगे अपने रीमेजरमेंट ऑफ लाइबिलिटी रीमेजरमेंट ऑफ लाइबिलिटी बेस्ड ऑन द ओरिजिनल इफेक्टिव रेट ऑफ लीज आप करेंगे अपनी लाइबिलिटी को रीमेजर देखें आई फारिक्सटीन के अंदर उसूली तौर पे पहले दिन भी जब लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है यानी फाइनेंशलीज ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड होता है तो फाइनेंशलीस ऑब्लिगेशन इज ऑलवेज इक्वल टू पी वी एम एल पी हाँ, अगर कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वगैरह होती है वो भी चली जाती है आपके पास लेकिन बजाते खुद एफ एल ओ तो पी वी एम एल पी होता है तो जब ईयर टू के बाद आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो चेंज हो गए तो आपको अब भी रीमेजरमेंट ऑफ लाइबिलिटी करनी पड़ेगी और लाइबिलिटी रीमेजरमेंट re का तरीका क्या है कि आप निकालेंगे पी वी एम एल पी बेस्ड ऑन द अपडेटेड रेंटल पेमेंट्स बट ऑन द ओरिजिनल इफेक्टिव रेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स कैसे निकालें एक्सेल के अंदर तो आसान तरीका है मैं वही फॉलो करूंगा वरना आपको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती मैं फॉर्मुला रखूंगा इज इक्वल्स टू एनपीवी रेट उठाऊंगा अपना ओरिजिनल इफेक्टिव रेट विच इज फाइव पॉइंट फाइव परसेंट कॉमा लगाऊंगा फिर उसके बाद अपने सारे के सारे लीज रेंटल्स यानी आने वाले कैश फ्लोज को सेलेक्ट कर लूंगा तो मेरे पास पी कितनी आ गई बेटा एट फोर फाइव एट जीरो की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट आ गई इससे आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा रीमेजर हो जाएगी एक बार आपने अपनी लाइबिलिटी को रीमेजर कर लिया तो जरा सोचिए कि लीज अमोर्टाइजेशन स्केजल अब कैसे नजर आ रहा होगा मैं यहां पर वही कॉलम बना लेता हूं जो कि मैंने पहले बनाए थे तो डेट रेंटल इंटरेस्ट डिक्रीज इन एफ एल बैलेंस एफ एल यहां पे आपकी ईयर वन की अब अपडेटेड रिवाइज लीज लाइबिलिटी हो गई होगी एट फोर फाइव एट जीरो ईयर टू कैसे सॉल्व होगा ईयर थ्री कैसे सॉल्व होगा ईयर फोर कैसे सॉल्व होगा आप नोट करिए तो ईयर टू में अब आपका रेंटल होगा थ्री वन थ्री फाइव जीरो ईयर थ्री में भी इतना ही होगा ईयर फोर में भी इतना ही होगा इंटरेस्ट जो आपका कैलकुलेट होगा क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली है ओरिजिनल इफेक्टिव रेट के ऊपर तो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट भी कैलकुलेट होगा ओरिजिनल इफेक्टिव रेट के ऊपर हर साल का हम बा आसानी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे डिक्रीज इन कैसे निकलेगा बेटा हमारा रेंटल्स में से निकाला आपने इंटरेस्ट के अमाउंट डिक्रीज इन एफ आ गया बैलेंस एफ एल ओ एज एट फोर फाइव एट जीरोलो की अमाउंट आ गई मैं सारे फॉर्मूलाज बेटा नीचे तक तो कॉपी कर रहा हूं तो आप देखें आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो गया और आपका बैलेंस एफ कितना हो गया जीरो आपका बैलेंस एफ कितना हो गया बेटा जीरो क्लियर होती है बात ये तो ऐसे कुछ सवाल सॉल्व होना था हमें बात क्या समझ में आई बेटा इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके हमें बात यह समझ में आई कि जब भी वेरिएबल लीज पेमेंट का सवाल होता है जिसके नतीजे में हर साल आपकी लीज पेमेंट डिफर कर रही होती है अपने पुराने वाले साल से तो आपको अपनी लाइबिलिटी को रीमेजर करना पड़ता है आपको अपनी लाइबिलिटी को रीमेजर करना पड़ता है ये जो सेवेंटी सेवन थाउजेंड की लाइबिलिटी हमारे बुक्स में पास्ट में नजर आ रही थी यह अब लाइबिलिटी कितनी बन जाएगी बेटा एट फोर फाइव एट जीरो की बन जाएगी दिस इज द अकाउंटिंग फॉर वेरिएबल लीज पेमेंट मेंट्स डन अच्छा अब ये सारी कहानी को हम अपने सवाल के आंसर के अंदर क्या आके लिखे किस तरह आके लिखें तो मैं यहां पे हेडिंग डाल रहा हूं बेटा दिस इज पार्ट नंबर ए सही है और मैं यहां पे हेडिंग ये भी डाल रहा हूं कि मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट लीज की राइट right? स्टार्ट कहां से करूंगा बेटा आपने सबसे फेवरेट वाले टॉपिक से वही अकॉर्डिंग टू तो अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस 16 अ लीज shall be classified as a finance lease in the lessee books if it does not fall into the exceptions as defined in as defined in the accounting standard उूट फिर उसके बाद बात करूंगा ऑन इनिशियल मेजरमेंट द लीज शैल बी रेकेग्नाइज या लीज शैल बी रेकग्नाइज नहीं अ राइट टू यूज एसेट एंड अबिलिटी शैल बी रेकग्नाइज बेस्ड ऑन द Present value of future lease payments, any directly attributable cost may also be may also be capitalized. Okay. In this case, in this case, since there are variable lease payments whereby whereby the future lease rentals will be updated due to inflation rate therefore lease liability shall be remeasured एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईर अच्छा अब ये चीज रिकग्नाइज कैसे होगी मैंने लिख दिया भाई द लीज लाइब्रेटी शैल बी मेजर एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर दिस रीमेजरमेंट इंपैक्ट विल ऑल्सो एफेक्ट द राइट टू यूज एसिट एज According to IFRS 16, the remeasurement, the remeasurement impact shall be capitalized. Hence the finance cost. Hence the finance cost and depreciation charge for the second year. will be affected due to 10% increase in future lease payments. ठीक है तो मैंने आपके सामने एक शॉर्ट सा आंसर लिख दिया आई वुड हाईली सजेस्ट दैट यू पुट अप अ वेरी गुड आंसर अगेंस्ट दिस

a second lease was signed on thirty on first October X zero for a period of nine months याद आ गया सर 9 मंथ्स को सुन के कुछ याद आ गया सर सर क्या याद आ रहा है सर याद ये आ रहा है कि हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था हमने कहीं ना कहीं, कहीं असेस किया था कि सर वैसे तो all leases shall account for all leases as finance lease unless there were two conditions क्या थी दो कंडीशन अगर तो आपके सामने कोई लो वैल्यू एसेट हो या ली एंड 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 लीज टर्म लेस देन मंथ्स हो तो अगर लीज टर्म एक साल से कम का हो या लो वैल्यू एसेट हो तो हम क्या किया करते थे हमेशा उसको हम उसको क्लासिफाई कर दिया करते थे एज एन ऑपरेटिंग लीज अ सेकेंड लीज वॉज साइंड ऑन फर्स्ट अक्टूबर टू जीरो फॉर अ पीरियड ऑफ नाइन मंथ्स इट रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ अ सिंगल स्मॉल लैपटॉप कंप्यूटर दोनों ही कंडीशन मीट होती हुई नजर आ रही है बारह महीने से पहले का टेन्यूर और आपका जो है वो लो वैल्यू एसेट हो उन दोनों में से कोई भी एक शायद मैंने पहले एंड कह दिया था कोई भी एक कंडीशन मीट हो जाए तो हम क्या कर सकते थे बेटा इसको ऑपरेटिंग लीज के अंदर क्लासिफिकेशन कर सकते थे द अकाउंटेंट हैज डिसाइडेड टू कैपिटलाइज द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एंड रेकग्नाइज द लीज लाइबिलिटी पहले वाले केस में उसको मालूम ही नहीं था कि करना क्या है वेरिएबल लीज पेमेंट्स केस के अंदर दूसरे वाले केस के अंदर उसको कुछ ज्यादा ही मालूम है उसने लीज लाइबिलिटी की तरह उसको अकाउंट फॉर कर दिया है यानी उसने एक्सेप्शन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया एग्जामिनर कहता है ही रीजन दैट दिस वुड लीड टू कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ द फर्स्ट लीज एंड देर फॉर कंपेरेबिलिटी इंप्रूव कंपेरेबिलिटी कह रहे हैं पहली लीज की तरह ही अकाउंटिंग करना चाहता हूं सेकंड लीज की क्योंकि इससे कंपेरेबिलिटी बेहतर होगी वैसे तो मुझे समझ में नहीं आता बजाते खुद कंपेरेबिलिटी किस तरह बेहतर होगी कंसिस्टेंसी बेहतर हो सकती है कंपेरेबिलिटी किस तरह बेहतर होगी शायद इतना समझ में नहीं आता एंड देयर फॉर इंप्रूव कंपेरेबिलिटी विच ही क्लेम्स इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन अकाउंटेंट कह रहा है भाई मैं सेकेंड वाली ट्रांजेक्शन को ट्रीट करूंगा एज अ फाइनेंस लीज और फाइनेंस लीज ट्रीट करने के पीछे मेरी लॉजिक ये है कि भाई देखो कंपेरेबिलिटी इंप्रूव करना चाहता हूँ कंपेरेबिलिटी इंप्रूव करना चाहता हूँ और कंपेरेबिलिटी एक फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है यू नो एज पर फ्रेमवर्क एंड उस फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को मीट करने के लिए मैं फाइनेंस लीज की तरह अकाउंटिंग करना चाहता हूं भाई पहली बात तो मैं आपको याद दिलाता चलूं कि आईएसबी के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर छह क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक बयान हुई दो फंडामेंटल हैं और चार एनहेंसिंग हैं फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई रेलेवेंस है और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है ये फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है इन कैरेक्टरिस्टिक के बगैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती नहीं है और चार हैं इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जिसमें यू नो कंपेरेबिलिटी है टाइमलेनेस uh, you know, है अंडरस्टैंडेबिलिटी है यू नो एक और कोई है वल्ला वाला मुझे यू नो वेरिफाइबिलिटी है तो ये चार क्वालिटेटिव इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हैं ये बात ये कहती है इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक वो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि हों तो अच्छी बात है क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनहेंस हो जाएगी लेकिन ये फंडामेंटल नहीं है यानी अगर किसी भी पे कोई बात कर रहा होगा, तो फंडामेंटल बात को नौ महीने की लीज को या लो वैल्यू एसेट वाली लीज को फाइनेंस अंदर क्लासिफाई करना कंपेरेबिलिटी और फंडामेंटलिटेटिवेक्टरिस्टिक के लिए जरूरी है ये बिल्कुल गलत है इसको ट्रीट करना चाहिए था एज एन ऑपरेटिंग क्योंकि ये के अंदर बड़े आसान तरीके से फॉल कर जाती है क्लियर ज़्यादा जरूरी है relevance ज़्यादा ज़रूरी है। एज कंपेयर टू कंपेरेबिलिटी ठीक आ जाए जरा सेकेंड लीज के ऊपर क्या लिखेंगे भाई वही पुरानी वाली बात according to ifrs 16 a lessee shall account for all leases as a finance lease unless unless kya conditions c beta unless kya it is a lease for low value asset Such as a computer equipment, reference to the Savalvi Gardiana, such as a computer equipment, or lease term is less than one year. In this case, the accountant has an incorrect perception that comparability is comparability is a fundamental qualitative characteristic rather it is an enhancing Qualitative characteristic as per the ISB's conceptual framework, both relevance and faithful representation of financial affairs is. A fundamental characteristic and therefore it supersedes the intention to improve comparability. Hence, the accountant. ये अकाउंटेंट कह लें या कंपनी कह लें रायपुर कह लें हेंस रायपुर रायपुर शैल इंश्योर पेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ शॉर्ट टर्म नाइन मंथ्स लीज एज एन ऑपरेटिंग लीज Recognizing lease rentals in profit or loss over the period. Also, any capitalized amount of right to use asset or lease liability. ठीक है भाई बात समझ में आती है आप लोगों को तो भाई ये हमने क्या कर लिया ये हमने फर्स्ट पार्ट का कुछ आंसर बना लिया छह मार्क्स के लिए छह मार्क्स की रिक्वायरमेंट है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि भाई पहले वाले पार्ट के लिए तीन मार्क्स हो गए दूसरे वाले पार्ट के लिए तीन मार्क्स हो गए इसका आंसर डिवेलप करने के अंदर हमें थोड़ा टाइम तो लग गया लेकिन बजाते खुद हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर हो गई और हमने थोड़ा सा राइटअप भी बना लिया एंड दैट शुड गो इन आर फेवर अल्टीमेटली

एंड हाउ अच्छा अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है हाउ विल इट एफेक्ट दिगार्डिंग ई पी एस एंड गेयरिंग पहली बात तो सबसे पहले आपसे पूछी जा रही है कि शेयर बेस पेमेंट आ, की अकाउंटिंग कैसे करनी है दूसरी बार कैसे ये इफेक्ट करेगी ईपीएस को और गेयरिंग को और ये भी हमने छह मार्क्स के अंदर समझानी है आई फार तो आसान वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है कभी कभार हमको तो इनशाला थोड़ा सा कम टाइम लेंगे आगे भाई सवाल आपके सामने एग्जाम कहते हैं लास्ट ईयर रायपुर इंट्रोड्यूज बोनस स्कीम बहुत अच्छा काम किया कहते हैं ऑल थ्री हंड्रेड एम्प्लॉइज वर गिविंग द राइट टू रिसीव अ कैश बोनस इन फोर ईयर टाइम बेस्ड ऑन द शेयर प्राइस एट द एट दैट टाइम कंपेयर टू द शेयर प्राइस ऑन द डेट द बोनस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड हमने सामने वालों को कैश बोनस ऑफर किया है बेस्ड ऑन द शेयर प्राइस वेस्ट डेट पे शेयर प्राइस क्या है और ग्रांड डेट नो शेयर प्राइस क्या है बेस्ड ऑन दैट हमने कैश बोनस कैश बोनस अनाउंस कर दिया अपने 300 सौ एम्प्लॉज के लिए आई फारू में शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट की क्या क्या डेफिनेशन थी शेयर बेस्ड पेमेंट कोई भी ऐसा सनारियो है कोई भी ऐसा अग्रीमेंट है कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर हम सामने वाले से गुड्स या सर्विसेज एक्वायर करेंगे और गुड्स या सर्विसेज एक्वायर करने के नतीजे में या तो सामने वाले को शेयर्स दे रहे होंगे या तो सामने वाले को कैश दे रहे होंगे बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर ये भी शेयर बेस्ड पेमेंट है फिर हमने इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट पढ़ा था कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट पढ़ा था पढ़ा था या नहीं पढ़ा था ये जो बात हो रही है बेटा ये किसकी बात हो रही है ये कैश सेटल हो रही है जिसके अंदर हम सामने वाले को पे करेंगे based on the intrinsic value of shares, लेकिन पे करेंगे के के अंदर cash settled share based payment के लिए हमने सुना हुआ था कि ऐसी ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग एंट्री बनती है एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट मार्क टू मार्केट होता है यानी आप ऐसी ट्रांजेक्शन को बार बार रीवैल्यू करते हैं बेस्ड ऑन द फेयर वैल्यू ऑफ द

बार बार आपके एग्जामिनर ये मार्क आउट किया है कि एस के अंदर इन्वेस्टर का परस्पेक्टिव होना जरूरी है और ये मॉक एग्जाम आपकी इन्वेस्टर की परस्पेक्टिव की तैयारी करवा रहा है एक शेयर होल्डर है और वो शेयर होल्डर आपने आपसे जानना चाह रहा है कि ये बोनस स्कीम कैसे अकाउंट फॉर होगी अच्छा वो क्यों जानना चाह रहा है दिस विल नेगेटिवली इंपैक्ट द बेसिक एंड डायल्यूटेड पर शेयर एंड रिजल्ट इन अ कैश आउटफ्लो इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड पहली बात तो भाई क्या शेयर बेस पेमेंट की वजह से करंट ईपीएस इफेक्ट होता है अगर हम इसको कैश सेटल शेयर बेस पेमेंट की तरह अकाउंट फॉर करेंगे तो एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट होगा अगर एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट होगा तो एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट गिरेगा प्रॉफिट की वजह से ईपीएस गिरेगा यहां तक तो बात समझ में आती है बेसिक ईपीएस इफेक्ट होगा अच्छा गेयरिंग हमारी बढ़ जाएगी लॉन्ग टर्म लीज की वजह से सॉरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की वजह से गेयरिंग हमारी बढ़ जाएगी सही है क्लियर हो गई बात ये अच्छा क्या हमारा डायल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा डायल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर हम तब निकालते थे जब हमारे पास कोई यू नो पोटेंशियल वोटिंग राइट्स यानी हमारे पास कुछ पोटेंशियल शेयर्स होते थे कैश सेटल शेयर बेस पेमेंट का सवाल है कैश सेटल शेयर बेस्ट पेमेंट के अंदर हम सामने वाले को ना आज ना कल ना परसों कोई शेयर इशू करेंगे कैश सेटल शेयर बेस्ट पेमेंट के अंदर सामने वाले को पेमेंट मिलती है बेस्ड ऑन द ऑनट्रेंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स नॉट एनी शेयर्स आर बीइंग पेड टू सामने वाला नाउ सिंस नो न्यू शेयर्स आर गोइंग टू बी इशू डायल्यूटेडीएस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा डायल्यूटेड ईपीएस का सवाल ही पैदा नहीं होता इस शेयर बेस्ड पेमेंट की ट्रांजेक्शन की वजह से फिर उसका सवाल यह हुआ कि क्या हमारा कैश आउटफ्लो होगा करंट अकाउंटिंग पीरियड में कोई कैश आउटफ्लो नहीं होगा करंट अकाउंटिंग पीरियड में वो जो पेमेंट होनी है वो तो एलिजिबल एम्प्लॉयज को पेमेंट होनी है ऑन द वेस्ट डेट तो आज नहीं होनी तो इसका मतलब हम बड़े आराम से टॉम जो कि एक शेयर होल्डर है रायपुर के अंदर बड़े आराम से उसका जवाब दे सकते हैं कैसे बनाएंगे जवाब जरा समझिएगा पार्ट बी लिख देते हैं भाई यहां पे स्टार्ट कहां से करेंगे भाई सर या सर अपने सुनहरे दो अल्फाज से अकॉर्डिंग टू तो भाई स्टार्ट करते हैं वही क्लासेस का मेन लेक्चर मेरा ओरिजिनल लेक्चर आपका पास्ट पेपर का आंसर अकॉर्डिंग टू आई एफ आर एस टू शेयर बेस्ड पेमेंट शेयर बेस्ड पेमेंट अग्रीमेंट इज सिनेरियो इन विच अ कंपनी एक्वायर्स गुड्स Or services from employees or a third party and settles the transaction in the form of issue of shares or cash based on the value of shares. A share based payment transaction shall be accounted for either as an equity settled share based payment or a cash settled share based payment. In this case, since shareholders will be sorry, since employees will be settled in the form of cash on the west date, therefore, this transaction shall be treated as a cash settle share based payment since there is with service vesting condition the impact of this payment shall be recognized फॉर ऑल एक्सपेक्टेड एलिजिबल इंप्लॉइज ओवर द वेस्टिंग पीरियड वेस्टिंग पीरियड डिफाइंड है वेस्टिंग पीरियड डिफाइंड नहीं है ओवर द वेस्टिंग पीरियड क्लियर होती है बात यह द ट्रांजेक्शन यहां लिख देता हूं मोर ओवर द ट्रांजेक्शन Shall be re measured based on the fair value of options at the fair value of instruments at each reporting date. At each reporting date, this will result. In an expense for the current accounting period and therefore affect the profitability and hence basic earnings per share of the company. however since, no future potential shares have been offered, therefore, no impact over diluted earnings per share EPS, right? Diluted EPS. Moreover, uh, the recognition of this expense will be with a corresponding liability. Will be, uh, you know, with a corresponding liability. The cash bonus in four years' time. Tha. मोर ओवर द रिकग्निशन ऑफ दिस एक्सपेंस विल बी विद विदेस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी टू बी सेटल आफ्टर फोर इयर्स फ्रॉम ग्रांडेड देयर फॉर देयर विल बी एन इंक्रीज इन गेयरिंग लेवल्स ठीक होगी बात मेरे ख्याल से छह मार्क की रिक्वायरमेंट थी छह मार्क की रिक्वायरमेंट के अंदर दिस इज अ रीजनेबल आंसर दैट यू शुड बी राइटिंग मेरे हिसाब से आपने जो टॉम था जो रायपुर का शेयर होल्डर था उसके सारे के सारे कंसर्न्स को आपने आंसर कर दिया ईपीएस पे फर्क पड़ेगा डायल्यूटेड ईपीएस का कोई ताल्लुक नहीं बनता यू uh, नो you know, अब गेयरिंग लेवल्स बढ़ जाया करेंगे बिकॉज ऑफ द रिक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी खैर विदाउट एनी यू नो स्पेंडिंग फॉर द मोर टाइम ऑन दिस एग्जिबिट हम यहां से आगे बढ़ जाते हैं लेट्स मूव ऑन टू एग्जिबिट नंबर थ्री इज रिक्वायरमेंट कहते हैं यूजिंग एग्जिबिट थ्री एक्सप्लेन विद सूटेबल कंप्यूटेशन हाउ द इम्पेयरमेंट लॉस विल बी अकाउंटेड फॉर इन द राय अकाउंट फॉर दर एंडेड की अकाउंटिंग पूछी जा रही है पांच मार्क्स के लिए एंड आई बिलीव दिस वॉज फॉर द कैश जनरेटिंग यूनिट जो कि हमने पास्ट के अंदर भी डिस्कस किया था आ जाते हैं भाई नागपुर भाई के इंपेयरमेंट लॉस के ऊपर थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को सेट कर लेते हैं भाई और पढ़ना शुरू करेंगे यहां अपने पास में लिख लेता हूं दिस इज पार्ट नंबर सी ठीक है भाई एग्जामिनर कहते हैं जी रायपुर परचेज हंड्रेड परसेंट ऑफ द अगो रायपुर ने नागपुर के सौ शेयर्स खरीद लिए कहते हैं नागपुर इज अ कैश जनरेटिंग यूनिट विद गुडविल ऑफ टू मिलियन डॉलर्स बिफोर द करंट यू नो एनुअल इंपेयरमेंट रिव्यू इस सब्सिडरी के जो गुडविल है इस सब्सिडरी की नागपुर इज अ कैश जनरेटिंग यूनिट अ सब्सिडरी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ अ कैश जनरेटिंग यूनिट इस सब्सिडरी की गुडविल कितनी है दो मिलियन डॉलर अच्छा कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए unit, 000, 000. भाई नागपुर इज अ कैश जनरेटिंग यूनिट और कैश जनरेटिंग यूनिट की गुडविल है दो मिलियन डॉलर भाई सीजीयू की गुडविल है दो मिलियन डॉलर इसका मतलब नागपुर की गुडविल है दो मिलियन डॉलर इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट द करंट कैरिंग वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ नागपुर आर टेन मिलियन डॉलर नागपुर के नेट एसेट्स हैं टेन मिलियन डॉलर अच्छा एक सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में यहां पे एग्जामिनर कह रहे हैं नागपुर के नेट एसेट्स हैं टेन मिलियन डॉलर के इस टेन मिलियन डॉलर के नंबर के अंदर गुडविल शामिल है या गुडविल शामिल नहीं है इस टेन मिलियन डॉलर के नंबर के अंदर गुडविल शामिल है या गुडविल शामिल नहीं है ना? है ना द करंट कैरियर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ नागपुर आर टेन मिलियन डॉलर मिलियन नागपुर के नेट एसेट्स हैं जो ऊपर गुडविल दी हुई है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की गुडविल है अरे भाई अगर कोई इंसान आपसे कह रहा है कि यार नागपुर की गुडविल है दो मिलियन डॉलर तो नागपुर की गुडविल नागपुर के अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रेकग्नाइज थोड़ी हुई हुई होगी भाई सुन रहे ना मेरी बात को नागपुर की अगर गुडविल है दो मिलियन डॉलर तो गुडविल तो होती ही कंसोलिडेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से है नागपुर ने अपनी कोई इंडिविजुअल बुक्स के अंदर थोड़ी इंडिविजुअल बुक्स के अंदर थोड़ी कोई इंटरनली जनरेटेड गुडविल रेकोग्नाइज कर ली होगी ऐसा तो नहीं है ना तो जहां एग्जामिनर ने आपको बोला कि भाई नागपुर की गुड़विल है दो मिलियन डॉलर की तो इसका मतलब वो कंसोलिडेटेड एफएस की बात कर रहा है और फिर जब एग्जामिनर ने ये बोला कि नागपुर के नेट एसेट्स हैं मिलियन डॉलर के तो नागपुर के नेट एसेट्स का मतलब ये हुआ कि उसके इंडिविजुअल नेट एसेट्स की वर्थ आपको बता रहा है और वो इंडिविजुअल नेट एसेट्स की नागपुर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कैरियंग वैल्यू है टेन मिलियन डॉलर तो इसका मतलब कंसोलिडेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल नेट एसेट्स कितने हो गए बारह मिलियन डॉलर के डन कहते हैं बट देयर टैक्स बेस है सेवन मिलियन डॉलर सेवन मिलियन डॉलर की टैक्स बेस है द इंपेयरमेंट रिव्यू ऑफ नागपुर रिवील्ड एन इंपेयरमेंट लॉस ऑफ थ्री पॉइंट सिक्स मिलियन डॉलर सी जी यू की इंपेयरमेंट लॉस कितना आ गया थ्री पॉइंट सिक्स मिलियन अच्छा अगर सी का इंपेयरमेंट लॉस आ गया 3.6 मिलियन तो सबसे पहले ये एलोकेट होगा स्पेसिफिक एसेट के ऊपर कोई मेंशन नहीं है फिर एलोकेट होगा गुडविल के ऊपर यानी 3.6 मिलियन की इंपेयरमेंट को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हम गुडविल उड़ाएंगे और बाकी रिमेनिंग एसेट्स उड़ाएंगे ऑन प्रोराटा बेसिस द डायरेक्टर्स विश टू नो हाउ द इंपेयरमेंट लॉस वुड बी अकाउंटेड फॉर एंड हाउ इट विल अफेक्ट द अकाउंटिंग फॉर डेफर टैक्स एम्पेयरमेंट लॉसेज आर नॉट अलाउबल एक्सपेंस फॉर टैक्सेशन पर्पेज अज्यूमर टैक्स रेट ऑफ थर्टी परसेंट हमें पता है कि एम्पेयरमेंट फॉरन टैक्स अलाउड टैक्सीबिलिटी के अंदर अलाउड नहीं होती परसेंट सवाल सॉल्व करें कर लेते हैं कोई बड़ी बात नहीं स्टार्ट करते हैं वही से अकॉर्डिंग टू आई एस थर्टी सिक्स इंपेयरमेंट इज सेट टू अराइज वेन कैरियंग वैल्यूज exceed their recoverable amount uh, in the case in the case of a cGU an impairment loss shall be allocated as a specific asset to shall be allocated to first goodwill and then the remaining balance, पांच मार्क की रिक्वायरमेंट है बेटा एंड देन द रिमेनिंग बैलेंस शैल बी एलोकेटेड टू रिमेनिंग एसेट्स ऑन प्रोराटा बेसिस इन दिस केस द टोटल इंपेयरमेंट लॉस इज थ्री पॉइंट सिक्स मिलियन विच शुड बी Offset offset bullet which should be charged against Goodwill two million and then the remaining one point six million and then the remaining and then against remaining Carrying value of net assets 1.6 million. Therefore, the, the entire goodwill in consolidated financial statements shall be written off. एंड एंड द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वुड बी टेन मिलियन के हमारे नेट एसेट से गुडविल तो राइट right ऑफ हो गई टेन मिलियन में से वन पॉइंट सिक्स मिलियन रह जाएगा तो कितना रह जाएगा वुड बी एट पॉइंट फोर मिलियन निकाला कैसे टेन मिलियन में से 1.6 मिलियन माइनस कर दिया अब आप पूछेंगे 1.6 से आया? 3.6 मिलियन का बेटा टोटल था ना हमारे पास इंपेयरमेंट लॉस इस 3.6 में से 2 मिलियन हमने एलोकेट कर दिया गुडविल के ऊपर बाकी 1.6 मिलियन हमने एलोकेट दिया रिमेनिंग कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आगे लिख रहा हूं सिंस इंपेयरमेंट लॉसेस आर नॉट रेकग्नाइज एज a tax allowable expense therefore a temporary difference would arise which needs to be accounted for case a temporary difference i gaza rame ek do column kolla हमें यहां पे इंसर्ट करनी है ठीक है भाई तो हम यहां पे लिख देते हैं भाई डिस्क्रिप्शन यहां पे हम लिख देते हैं भाई कैरियंग वैल्यू ये मैं इसलिए कर रहा हूं तो आपको समझ में आता रहे कि हम क्या कर रहे हैं कंपेयर करेंगे टैक्स पेस से और आ जाएगा हमारे पास टेम्पररी डिफरेंस ठीक है भाई ये तीन कॉलम हमने मिडल अलाइन कर दिए थोड़ा सा नीचे लेके आ गया भाई इन सबको हेडिंग बनानी है तो आपके खातिर बोल्ड कर रहे हैं अब हमारे पास है क्या बेटा कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स जिनकी वैल्यू कितनी बनती है बेटा 8.4 मिलियन की टैक्स बेस होगा बेटा इनका 7 मिलियन देखो लिख के दिया हुआ है देर टैक्स बेस इज सेवन मिलियन डन सेवन मिलियन रख दिया तो हमारे पास जो टेम्प्रेरी डिफरेंस आएगा वो वन मिलियन का आएगा सही है Hence, अच्छा जब भी पूरा जमाना जाता है बेटा जब भी कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो एसेट का केस हो कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो टैक्स बेस कम हो तो आने वाला डिफरेंस कहलाता है टीटी और टीटी के ऊपर पूरा जमाना जानता है कि हमेशा क्या क्रिएट होती है एक डेफर टैक्स लाइबिलिटी हेंस अ डेफर टैक्स लाइबिलिटी शैल बी रेकग्नाइज ऑन द टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस ऑफ टैक्स लाइबिलिटी कितनी रेक्टिगिनाइज करेंगे भाई कर ले जरा 1.4 में जरा कैलकुलेट कर लूँ बेटा 1.4 मिलियन का 30 परसेंट 0.42 ऑफ 0.42 मिलियन जो कि 1.4 का 30 परसेंट क्लियर होती है बेटा बात ये ये हमने सवाल सॉल्व कर दिया डन इससे ज्यादा मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं केस क्लोज क्लोज रिक्वायरमेंट नंबर लास्ट बेटा एट मार्क्स की माफ रिक्वायरमेंट है एग्जामिनर कहता है ईयर हंड्रेड थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू जीरो एक्स जीरो आ जाते हैं जी इस रिक्वायरमेंट के ऊपर एट मार्क की रिक्वायरमेंट है पढ़ लेते हैं जरा चले भाई आ गया आपके पास ये अच्छा भाई क्या कह रहे हैं यहां पर भी, भी लिख लेते हैं बेटा पार्ट नंबर डी और इस पार्ट नंबर डी को थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाते हैं ताकि जगह है रहे हमारे पास एग्जाम में कहता है बेटा ऑन फर्स्ट जनवरी टू जीरो साल के पहले दिन रायपुर परचेज थ्री मिलियन डॉलर ऑफ बॉन्ड एट पार अच्छा अगर आपने तीन मिलियन तीन सौ मिलियन डॉलर का बॉन्ड खरीदा होगा एट पार तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनाई होगी फाइनेंशियल एसेट डेबिट कर दिया होगा थ्री हंड्रेड मिलियन राइट और कैश या बैंक आपने क्रेडिट कर दिया होगा थ्री हंड्रेड मिलियन डन ये आपकी रेकेग इनिशियल मेजरमेंट हुई हो होगी इनिशियल रेकेग्नेशन ठीक हो गया भाई बात ये हमारी हो गई इनिशियल रेकेग्निशन आगे बढ़ते हैं जरा एग्जाम्पल कहता है द बॉन्ड आर ड्यू टू बी रिडीम डाटा प्रीमियम इन टेन ईयर टाइम विद रायपुर ऑल्सो रिसीविंग टेन परसेंट इंटरेस्ट एनुअली इन अर इज सही है भाई आपका कूपन रेट कितना दिया हुआ है बेटा टेन परसेंट दिया हुआ है द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड इज पंद्रह परसेंट भाई हम सब लोगों को मालूम है कि अगर अमोटाइज कॉस्ट मॉडल चल रहा हो तो हमारे लिए चार चीजें काम की होती हैं पार वैल्यू इशू वैल्यू कूपॉन रेट इफेक्टिव रेट पार वैल्यू कूपॉन वैल्यू इस सवाल के अंदर बराबर है पार वैल्यू वैल्यू इसके बाद कूपॉन रेट है कौन से टाइप के लोग हैं बेटा ये कौन से टाइप के लोग हैं है? जरा बताइए ना बेटा आपके पास फाइनेंशियल एसेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स को डील करने के लिए तीन टाइप के मॉडल्स होते हैं या तो आप जाएंगे लॉन्ग टर्म मॉडल के अंदर कॉस्ट मॉडल सब्जेक्ट टू पासिंग टू कंडीशंस बिजनेस मॉडल टेस्ट भी पास हो रहा हो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट भी पास हो रहा हो तो आप चले जाते हैं अमोटाइज कॉस्ट मॉडल के अंदर पूरी दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म हो जाता है कोई फेयर वैल्यू की बात नहीं करेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट को अमोटाइज करते चले जाइएगा क्लियर अगर आपके पास शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मॉडल है तो आप जाएंगे फेयर वैल्यू थ्रू पी वाले मॉडल के अंदर लेकिन अगर आप ना इधर हैं ना इधर हैं तो आप आ जाते हैं बीच में हाइब्रिड मॉडल के अंदर जिसको मैं पुकारता था होल्ड टू मेच्योरिटी बट सेल और उसके अंदर आप हाइब्रिड अकाउंटिंग करते हैं हाइब्रिड अकाउंटिंग करने का तरीके कार क्या होता है कि आप पूरा कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं फ्रॉम यू यू नो नो फॉर इनकम स्टेटमेंट लेकिन आखिर में आके रिपोर्टिंग डेट के ऊपर आप मार्क टू मार्केट कर जाते हैं और उस मार्क टू मार्केट के नतीजे में जो भी गेन या लॉस आता है बेटा वो कहा रिक्नाइज हो जाता है ओसीआई के अंदर राइट right? तो बेटा हमें ये नजर आ रहा है कि मेजरमेंट आफ्टर रिकन जो है ना मेजरमेंट आफ्टर रिकन जो है वो पूरी पूरी पी एन एल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट मॉडल की तरह है लेकिन ईयर एंड पे आके हम क्या कर दिया करेंगे रीस्टेटमेंट कर दिया करेंगे मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए यहां पे लिख रहा हूं आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं थी पार वैल्यू इशू वैल्यू इस सवाल के अंदर कितनी है बेटा 300 मिलियन कूपन रेट बेटा हमारे पास कितना है 10 परसेंट लेकिन क्योंकि बॉन्ड रिडीम होगा एट अ प्रीमियम तो आपके पास आपका जो इफेक्टिव रेट है वो इफेक्टिव रेट कितना है बेटा बेटा डन यहां से आगे आगे चलते हैं जरा एक कॉलम शॉलम बना के आपके साथ मिलके कुछ सॉल्व भी कर लूं मैं हा? हमेशा याद रखिएगा आइडियली आपको करना ये चाहिए कि जब भी आप कोई टेबल इंसर्ट किया करें ना तो मेरी वाली गलती ना करना जो अभी मैंने की थी जितना बड़ा टेबल हो सके ना इंसर्ट कर लिया करो बाकी एक्स्ट्रा कॉलम्स या एक्स्ट्रा रोड डिलीट कर दिया करो टाइम सेव होता है इस तरह तो भाई हमें अमाउटाइज कॉस्ट टेबल बनाना है मैं यहां पर लिख भी देता हूं अमाउटाइज कॉस्ट शेड्यूल पहला कॉलम आ जाएगा डेट का दूसरा कॉलम आ जाएगा अमाउटाइज कॉस्ट ब्रॉड फॉरवर्ड का सही है तीसरा कॉलम आ जाएगा इंटरेस्ट इनकम का फाइनेंशियल एसेट है तीसरा कॉलम आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड का ठीक है अच्छा हम सभी बात जानते हैं कि इंटरेस्ट इनकम का जो कॉलम है ना वो उसका ताल्लुक होगा इफेक्टिव रेट से और जो इंटरेस्ट रिसीव्ड का कॉलम है बेटा जो इंटरेस्ट रिसीव्ड का कॉलम है इसका ताल्लुक होगा कूपन रेट से और इसके नतीजे में आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट कैरिट फॉरवर्ड डन फिर हम करेंगे अपने एसेट को फेयर वैल्यू के ऊपर जिसके नतीजे में आपके पास आ जाएगा फेयर वैल्यू गेन या लॉस ठीक है अब मैंने बना ली भाई अपनी सारी की सारी हेडिंग्स और एक बार मैंने अपनी सारी की सारी हेडिंग्स बना ली तो अब मैं अकाउंटिंग करना स्टार्ट कर दूंगा मैं सबसे पहले बेटा बात जो करूंगा वो बात करूंगा ईयर जीरो से चलें ईयर जीरो ईयर जीरो के अंदर हमारे पास सबसे पहले बेटा ईयर जीरो मींस नाउ आज के दिन में हमारे पास एक बॉन्ड आ गया तीन सौ मिलियन का फिर एक साल बाद क्या होगा कि हमारे पुराने ज़माने हम आप आपकी जेब में एक बॉन्ड पड़ा हुआ है तीन सौ मिलियन डॉलर का जिसके ऊपर मुंह का रेट है फेस रेट है तो कूपन रेट है टेन परसेंट का तो आपको इंटरेस्ट वाकई में रिसीव कितना होगा आप बोलेंगे सर तीस मिलियन राइट सवाल यह है कि इंटरेस्ट इनकम आपको रिसीव होगी तीस मिलियन की लेकिन क्या हम पीएनएल में रेकग्नाइज भी तीन मिलियन करेंगे नहीं क्योंकि बॉन्ड बॉन्ड रिडीम होने वाला है एट अ प्रीमियम तो हम इनकम स्टेटमेंट में रेकोगनाइज करेंगे इंटरेस्ट इनकम बेस्ड ऑन एन इफेक्टिव रेट और यह इफेक्टिव रेट है पंद्रह तो पंद्रह कितना बनेगा गालिबन फोर्टी मिलियन 45 मिलियन में से 30 मिलियन का इंटरेस्ट मिल गया है बाकी 15 मिलियन मिला नहीं है अगर बाकी पंद्रह मिलियन मिला नहीं है तो क्या कभी भी नहीं मिलेगा सर आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों परसों नहीं तो कभी ना कभी आपको ये पैसा मिलना जरूर है तो इसका मतलब आपके पास राइट टू रिसीव कैश है बाकी बैलेंस कहां पे आ जाएगा आपके पास फाइनेंशियल एसेट के अंदर यानी टोटल फाइनेंशियल एसेट हो गया आपका ईयर वन के एंड में तीन सौ पंद्रह मिलियन क्लियर अब तीन सौ पंद्रह मिलियन तक अगर हम पहुंच गए तो ईयर वन की अकाउंटिंग एंट्री क्या बनने वाली थी हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे यानी कैश या बैंक में हमारे पास जाएगा तीस मिलियन सही है ये हमारा हो गया डेबिट इंटरेस्ट इनकम जो हम रेकग्नाइज करेंगे वो हम रेकोगनाइज करेंगे फोर्टी फाइव मिलियन क्रेडिट और जो बाकी बैलेंसिंग फिगर है बेटा वो रेकोगनाइज हो जाएगी हमारे फाइनेंशियल एसेट के अंदर पंद्रह मिलियन डेबिट क्लियर होती है बात ये तो ये हो गई भाई हमारी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन डन लेकिन आपको याद है ना कि यह हमारा हाइब्रिड वाला मॉडल था और इस हाइब्रिड वाले मॉडल के अंदर हमको रिपोर्टिंग डेट के ऊपर जाके आखिरी दिन जाके हमको मार्क टू मार्केट करना भी जरूरी है तो हम करेंगे यहां पे मैं हेडिंग डाल रहा हूं रीमेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट। और मॉडल का नाम आपकी याद दहानी के लिए लिख रहा हूं एफ होगा क्लियर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई सवाल में चल के देखें तो एग्जामिनर ने लिखा हुआ है द बॉन्ड्स वर डीम्ड टू हैव अ लो क्रेडिट रिस्क एट इनसेप्शन ऑन फर्स्ट जनवरी एक् जीरो ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर रायपुर रिसीव द इंटरेस्ट ड्यू ऑन द बॉन्ड्स एग्जामिनर कह रहा है द फेयर वैल्यू ऑफ द रायपुर इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड्स एट थर्टी अक्टूबर सॉरी डिसंबर एक्स टू हंड्रेड मिलियन फेयर वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी रिपोर्टिंग डेट के ऊपर 250 मिलियन इसका मतलब आपको 65 मिलियन का लॉस हो रहा होगा दैट शुड बी रेकग्नाइज इन ओसीआई तो हम एंट्री क्या बनाएंगे बेटा ओसीआई डेबिट कर देंगे बेटा 65 मिलियन से और फाइनेंशियल एसेट को बेटा क्रेडिट कर देंगे 65 मिलियन से ऑल गुड माई फ्रेंड्स दिस शुड बी दी अकाउंटिंग एंट्री डन क्लियर होती है आपको ये बात आपके पास फाइनेंशियल एसेट है जो कि आप हाई रिस्क के ऊपर जा रहे हैं भाई फाइनेंशियल एसेट तो कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट हो हमें मालूम था उसके लिए हमें एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस तो जरूर रेकग्नाइज करना था उसके ऊपर एग्जामिनर कह रहा है द फाइनेंशियल टीम ऑफ रायपुर कैलकुलेटेड ट्वेल्व मंथ ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस टू बी वन मिलियन डॉलर फॉर द बॉन्ड एज एट फर्स्ट जनवरी टू जीरो हाँ भाई ईसीएल e मॉडल आ रहा है ईसीएल मॉडल ईसीएल मॉडल में याद है ना एट इनिशियल रेकग्निशन हम एट इनिशियल रेकग्निशन आप रेकग्नाइज करते हैं एन अलाउंस An allowance is recognized equal to 12 month expected credit loss. Here, at the reporting date, if credit rate, uh, credit risk is worsened, then life. एनअलाउंस इक्वल टू लाइफ टाइम क्रेडिट लॉस इज टू बी रेकोग्नाइज क्लियर हो रही है बेटा बात तो बेटा पहली बात यह सुन लीजिए कि हमारे इनिशियल रेकग्निशन के ऊपर इनिशियल रेकग्निशन के ऊपर हमारा जो ट्वेल्व मंथ क्रेडिट लॉस था तो इनिशियल रेकग्निशन के ऊपर क्या होगा इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर हमको पीएनएल डेबिट करना है वन मिलियन से और क्रेडिट क्या करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल वन मिलियन अलाउंस फॉर रिसीवेबल वन मिलियन एक सेकंड जरा सबर करो रुक जाओ रुक जाओ बेटा पहली बात उसूली तौर पे सोचें अगर आपके पास एक ऐसा फाइनेंशियल एसेट है जो कि ऑलरेडी मार्क टू मार्केट हो रहा है अगर आपके पास एक ऐसा फाइनेंशियल एसेट है जो कि ऑलरेडी फेयर वैल्यू पर रिकॉग्नाइज हो रहा है तो उसूली तौर के ऊपर तो ऐसे फाइनेंशियल एसेट के अगेंस्ट आपको कोई भी अलाउंस फॉर रिसीवल रेकग्नाइज नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए बेटा अगर आप अपने फाइनेंशियल एसेट को फेयर वैल्यू पे ऑलरेडी रेकग्नाइज कर रहे हो तो फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू होता है और मार्केट वैल्यू के अंदर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का इंपैक्ट यानी होने वाली एक्सपेक्टेड इंपेयरमेंट का इंपैक्ट ऑलरेडी शामिल होता है बेटा फेयर वैल्यू इज मार्केट वैल्यू और मार्केट वैल्यू के अंदर तो सारे फैक्टर्स का इंपैक्ट ऑलरेडी शामिल होता है तो उसूली तौर पे तो अगर आपके पास कोई ऐसा फाइनेंशियल एसेट है जो कि कैरी हो रहा है अंडर एनी फेयर वैल्यू मॉडल उसके ऊपर कभी भी कोई भी अलाउंस फॉर रिसीवल नहीं बनाया जाता लेकिन बेटा जब भी हाइब्रिड मॉडल होता है जब भी हाइब्रिड मॉडल होता है तो हमें अलाउंस एक्सपेक्टेड अलाउंस की अकाउंटिंग एंट्री मजबूरन बनानी पड़ती है क्यों क्योंकि बेटा जब भी आप हाइब्रिड मॉडल के अंदर कोई भी फेयर वैल्यू का गेन या लॉस रेकेग्नाइज करते हैं तो उसको रेकेग्नाइज कर लेते हैं बेटा ओसीआई के अंदर कहां रेकेग्नाइज कर लेते हैं ओसीआई के अंदर हालांकि बजाते खुद हमें अलाउंस फॉर रिसीवेबल का या एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का इंपैक्ट चाहिए होता है प्रूडेंस के तहत पीएनएल के अंदर हमने आईएफआरएस एफ नाइन के ईसीएल मॉडल के अंदर यही पढ़ा है कि पीएनएल डेबिट होना चाहिए है तो बेटा मजबूरन हमें क्या करना पड़ता है मजबूरन हमें क्या करना पड़ता है उसूली उस तौर पे तो अगर आपका कोई फाइनेंशियल एसेट फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर जा रहा है तो आपको कोई अकाउंटिंग एंट्री एक्सपेक्टेड ट्रेड लॉस की बनानी ही नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वो मार्क टू मार्केट हो रहा है लेकिन बेटा फिर भी फिर भी अगर एफ के ऊपर कैरी हो रहा हो फाइनेंशियल एसेट, तो हमें एक अकाउंटिंग एंट्री मजबूरन फिर भी बनानी पड़ती है और वो एक सॉर्ट sort ऑफ of एक ट्रांसफर अकाउंटिंग एंट्री होती है और वो आप क्या बनाएंगे क्या आप पी 1 वन मिलियन डेबिट करेंगे और आपको कॉरिस्पॉन्डिंग इंपैक्ट लेके जाना पड़ेगा बेटा ओसीआई के अंदर आप ओसीआई में से लॉस का इंपैक्ट निकाल के ओसीआई को क्रेडिट कर देंगे और लॉस का इंपैक्ट लेके चले जाएंगे पीएनएल के अंदर बेटा ये मामला तो होगा इनिशियल रिक्नेशन के ऊपर और जरा सोचो सब्सिक्वेंट रिक्नेशन के अंदर क्या होगा यानी रिपोर्टिंग डेट के ऊपर क्या होगा बेटा रिपोर्टिंग डेट पे यह होगा क्या आप सोचें एग्जामिनर कह रहा था कि हमारा लाइफ टाइम क्रेडिट लॉस एट द ईयर एंड है टेन मिलियन का हमारा लाइफ टाइम क्रेडिट लॉस ईयर एंड के ऊपर है टेन मिलियन का जिस टेन मिलियन में से हम वन मिलियन ऑलरेडी रेकग्नाइज कर चुके हुए हैं तो इसका मतलब नाइन मिलियन की और फर्दर एंट्री बनेगी वही ट्रांसफर एंट्री वही ट्रांसफर एंट्री के भाई पी को डेबिट कर देंगे नौ मिलियन से और ओसीआई को क्रेडिट कर देंगे नौ मिलियन से ये वाली बात आपको जरूर 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 पता होनी चाहिए है यहां पे आके मैंने अपना काम कर दिया कि आपको डी ब्रीफ दे दिया बेटा इस पूरे के पूरे एग्जिबिट नंबर फोर का मैं चाहूंगा कि आठ मार्क के लिए इन सारी वर्किंग और इस सारे लेक्चर को मद्देनजर रखते हुए इस आठ मार्क्स की रिक्वायरमेंट का आप एक आंसर लिखें मुझसे रिव्यू करवाएं और मेरा फीडबैक लें और फिर पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं और कितने पानी में नहीं है मेरे हिसाब से ये एक डिसेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है जो कि शायद वाक्यतन आपकी अटेम्प्ट के अंदर भी आ जाए आपको खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए पूरा का पूरा मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए विद इन स्टिपलेटेड टाइम करना चाहिए हमारा लेक्चर तो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मैं आपको पढ़ा पढ़ा के एग्जाम्पल्स करा करा के ये सारी चीज़ें करा रहा था लेकिन आप खुद भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें पूरा मॉक अटैम्प्ट करें प्रैक्टिस एग्जाम अटैम्प्ट करें और चेक करें कि आप पूरे ती, तीन घंटे के अंदर सवाल सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते अक्सर ओ बेशर एस के स्टूडेंट्स का फीडबैक यही होता है कि सर एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं होता जैसे बताते खुद आप ये देखें सवाल कोई मुश्किल नहीं है सवाल तो आप मेरे लिए तो छोड़ें आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल होगा लेकिन सर टाइम मैनेजमेंट में नहीं हो पाती जिसकी वजह से हम मारे जाते हैं टाइम मैनेजमेंट क्यों में नहीं हो पाती क्योंकि टेक्निक अच्छी नहीं होती टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाती क्योंकि टीचर से कॉरिस्पॉन्ड नहीं करते टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाती क्योंकि सी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का सही मायनों के अंदर इस्तेमाल नहीं किया हुआ होता अगर ये सारे काम करके जाएंगे तो इनशाला आपका एस बी का पेपर बहुत अच्छा होगा आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन तो कम से कम समझ में आ गया होगा बाकी क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे अल्लाह हाफिज